इलेक्शन के लिए अमेठी में तैयार हो रही है सियासी पिच। अमेठी से चुनावी ताल ठोकेंगे वरुण, इसलिए कहा जा रहा यह 1980 की है तैयारी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी के लिए अमेठी में एक अलग ही सियासी पिच की तैयारी हो रही है। कहा यही जा रहा है कि अगर वरुण गांधी को भाजपा से टिकट नहीं मिलता है तो उनके लिए अमेठी में नए सियासी समीकरण के साथ राजनीतिक दरवाजे खोले जा सकते हैं। अमेठी के सियासी गलियारों में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि वरुण गांधी कभी अपने पिता की लोकसभा सीट रही अमेठी में निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। इसके लिए बकायदा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी एक कदम आगे आकर वरुण गांधी का समर्थन कर सकती है। अमेठी लोकसभा क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने वरुण गांधी को पत्र लिखकर मुलाकात कर चुनाव लड़ने की अपील भी की है। क्या है पूरी खबर इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए, क्या वरुण गांधी कांग्रेस के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकते हैं? और हाँ, सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए MSTV इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वरुण के लिए अमेठी में तैयार हो रही सियासी पिच। वैसे तो उत्तर प्रदेश में अभी बहुत सी लोकसभा सीटों पर सपा, कांग्रेस, बसपा और भारतीय जनता पार्टी के पत्ते खुलने बाकी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त पीलीभीत और अमेठी की सीट की हो रही है। दरअसल अमेठी में पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी स्मृति ईरानी से हार गए थे। इस बार राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसे लेकर लगातार संशय बना हुआ है। सियासी गलियारों में कहा यही जा रहा है कि राहुल गांधी ने केरल के वायनाड से ही चुनाव लड़ने की हामी भरी है। ऐसे में अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो ये सीट कांग्रेस किसे देगी, इसे लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस अपने ही परिवार के सदस्य वरुण गांधी पर परोक्ष या अप्रोक्ष रूप से सियासी दाम लगा सकती है। ऐसे में वरुण गांधी अमेठी से उम्मीदवार हो सकते हैं। पीलीभीत सीट से लड़ेंगी मेनका गांधी। सियासी जानकारों की माने तो वरुण गांधी की पीलीभीत सीट पर उनकी मां मेनका गांधी को प्रत्याशी बनाया जा सकता है, जबकि वरुण गांधी ऐसे सियासी हालात में अमेठी से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के समझौते के चलते ये सीट कांग्रेस के खाते में आई है। अब अगर कांग्रेस यहाँ पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारती है तो वरुण गांधी को सपा और कांग्रेस के समर्थन के साथ चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। इसी तरह सुल्तानपुर से मेनका गांधी की सीट बदले जाने की दशा में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को सीट दिए जाने की भी चर्चा हो रही है।